तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे कौन नी ऑडियो के साथ। तो गाइस क्या आप लोग भी इस तरह से अपने गूगल प्ले अर्निंग रिवॉर्ड पे इतनी अर्निंग करना चाहते हो और कैसे करना है आपको पता नहीं, तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इतनी अर्निंग कर सकते हो और एक दिन में बहुत सारे सर्विस ले सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर ली है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, मतलब पूरी बिगिनिंग से कैसे आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको इसे इंस्टॉल कैसे करना है वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको क्या करना है, आपको ये पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको भी पता चल सके कि कैसे ये सारी चीजें करनी है, क्योंकि अगर आपको ये चीज बेसिक चीजें ही नहीं पता होगी तो फिर आप ऐसी इतनी अर्निंग नहीं कर पाओगे। तो कैसे करना है वो सारी वीडियो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप फुल स्क्रीन में कर दे ताकि आपको यह पूरी स्क्रीन आपके फोन पर दिख सके। तो गाइज यहाँ पर ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, आपको चले जाना है कोई भी अपने जीमेल अकाउंट पे, मतलब आपको न्यू जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको चले जाना है आपकी जीमेल वाली एप्लीकेशन पर। इसके बाद यहाँ पर आकर आपको क्या करना है, ऊपर जाना है कॉर्नर में। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट अकाउंट वाला, तो यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट वाला ऑप्शन पे दबा देना है। यहाँ पर मैं अपने जीमेल आईडी को ब्लर करके रख देता हूँ ताकि आपको पता ना चल सके, मतलब ये मेरी पर्सनल वाली ईमेल आईडी है इसलिए मैं ब्लर करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर दबा देना है। एंड इसके बाद यहाँ पर आकर आपको अपना नाम एंड वो सारी बेसिक चीजें डाल देनी है। जैसे यहाँ पर मैं अपना नाम एंड सरनेम डाल देता हूँ एंड इसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बर्थ डेट डालनी है। जैसे यहाँ पर तो मैं 18 प्लस हूँ इसलिए मैं अपनी सही एज डाल रहा हूँ। यहाँ पर आपको 18 प्लस ही डालनी है, अगर आप छोटे हो तो फिर भी आपको 18 प्लस ही डालनी है, क्योंकि यहाँ पर 18 प्लस होगा तो ये आपको सर्वे ज्यादा आएंगे, क्योंकि ऐसा क्या होता है छोटे बच्चों को ज्यादा सर्वे नहीं देते, इसलिए यहाँ पर आपको 18 प्लस ही रखना है। इसके बाद यहाँ पर ये सारी बेसिक चीजें कर देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने भी कर दिया, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लोडिंग होगा एंड उसके बाद ये आपकी जीमेल आईडी बन के तैयार हो जाएगी। तो आपको नेक्स्ट कर देना है एंड आई एग्री करके आपको जीमेल आईडी बना देनी है। तो यहाँ पर आप देखो मैंने जीमेल आईडी बना दी है एंड उसके बाद क्या करना है, आपको चले जाना है प्ले स्टोर पे और वहां जाकर आपको जो आपने जीमेल आईडी बनाई उसी से आपको गेम को इंस्टॉल करना है, मतलब ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए हम भी वेट कर लेते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जीमेल आईडी सक्सेसफुली बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको चले जाना है अपने प्ले स्टोर पे और वहाँ जाकर आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले ओपिनियन रिवॉर्ड, मतलब ये वाली एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये अपने अकाउंट खोल लिया एंड इसके बाद यहाँ पर आपके जो मेन आईडी होगी वो मेन आईडी को चेंज करके आपको चले जाना है, जो भी आपने रिसेंटली जो आईडी आपने क्रिएट किया उसी पे चले जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो उस पे जाने के बाद यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा आएगा, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन आएगी तो आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं एक्सेप्ट के ऑप्शन पे दबा देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी आईडी एकदम नई आ जाएगी, मतलब यहाँ पर नई नई एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी एंड बहुत कुछ चीजें देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पर आपको सर्च में जाना है एंड उसके बाद सर्च कर देना है गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स एंड उसके बाद जो आपके पास एप्लीकेशन आएगी आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली एप्लीकेशन, तो अब आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन पहले से ही है तो आपको डिलीट मार देनी है। डिलीट करने के बाद आपको नई ईमेल आईडी बनानी है एंड उसके बाद आपको फिर से डाउनलोड करना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है गाइस, क्योंकि अगर पहले से ही होगी तो फिर ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी, आपको नई तरह से ही नई आईडी बनानी है उसके बाद ही नई सारी चीजें करनी है, तो ही ये सारी चीजें वर्क कर पाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुकी है हमारे पास। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहीं से ही से ओपन कर देना है ओपन एंड इसके बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी परमिशन मांगेगा, तो आपको सारी चीजें अलाउ कर देनी है। जैसे यहाँ पर एंड्रॉइड सिस्टम की ये वाली परमिशन आई है तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है एंड इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर नहीं दबाना, आपको दबाना है गेट स्टार्टेड, मतलब जो बड़ा वाला ऑप्शन होगा उस पर आपको कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी मेन आईडी आएगी, उसको आपको स्किप करके आपने जो नई आईडी बने है उसी पे दबा देना है एंड इसके बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यह मेन पेज पे ले जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मेन पेज पे आ गए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको इसके जो नोटिफिकेशंस होते हैं उसको हमेशा ऑन ही रखना है, अलाउ कर देना है ताकि आपको जब भी सर्वे आए तो आपको पता चल सके एंड लोकेशन हिस्ट्री उसको भी आपको टर्न ऑन हिस्ट्री ऐसा कर देना है ताकि आपके इंडिया के रिलेटेड सर्वे आ जाए। इसके बाद यहाँ पर आपको टर्न ऑन कर देना है और ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी। तो गाइज अभी तक आपने जो स्टेप फॉलो किए वो सारे स्टेप आपने सही तरह से फॉलो किए होंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा सर्वे का, मतलब अगर आपके ये एप्लीकेशन पे सर्वे का ऑप्शन आता है तो आपने सारे स्टेप सही तरह से किए इतना आपको पता चलने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको वो सर्वे वाला ऑप्शन पे चले जाना है एंड ओके गॉट इट ये वाला ऑप्शन आपको दबा देना है। यहाँ पर आपको इतनी जल्दी जल्दी में नहीं करना, आपको स्लो स्लो करके धीरे धीरे से ये सारे
स्टेप्स फॉलो करने हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट इज योर फेवरेट टाइप ऑफ डिजर्ट, मतलब आपको ऐसे नॉर्मल से प्रश्न पूछेगा, आपको उसके आंसर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी एक सिलेक्ट कर देना है, अगर मल्टीपल ऑप्शन हो तो आप मल्टीपल चूज कर सकते हो। यहाँ पर आपका एक सिंगल ऑप्शन वाला ही है तो यहाँ पर आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे, मतलब तीन क्वेश्चन यहाँ पर ये यूजली पूछते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी एक ऑप्शन कर देना है। जैसे यहाँ पर ये भी एक ही सिंगल टिक वाला ऑप्शन है, एंड इसके बाद यहाँ पर यह मल्टीपल चॉइस वाला है, तो आप चाहो तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं करना कि पहले मैं आपने यस सिलेक्ट किया उसके बाद दूसरे में आपने नो कर दिया, तो यहाँ पर आपको कोई भी तीन ऑप्शन या फिर चार आप जितना चाहे उतना कर सकते हो। एंड इसके बाद आपको डन वाले ऑप्शन पर दबा देना है, मतलब आपका सर्वे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका सर्वे कंप्लीट हो चुका है, एंड इसके बाद आपको इसे क्लोज कर देना है सिंपली। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको मेन स्टेप फॉलो करने होंगे, जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा। इतना मतलब यहाँ पर आने तक आपका आधा काम हो चुका है और आधा काम अभी भी बाकी है, वो क्या करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको सर्वे एलिजिबिलिटी, यही मेन चीज़ है यहाँ पर आने के बाद। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड पेमेंट अकाउंट का, तो यहाँ पर आपको ऐड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। इसके बाद ये अपने आप ही हो जाएगा, आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट वो सक्सेसफुल ऐसा लिख के आ जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको लोकेशन का दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पर भी आपको अलाउ कर देना है। ये सारी चीज़ें आपको करनी ही करनी है। इसके बाद तीसरे में भी अलाउ ऑल द टाइम ये सारी चीज़ें कर देनी है। इसके बाद बैक आ जाना है। इसके बाद लैंग्वेज प्रेफरेंस ऐसा करके आएगा, ऐड लैंग्वेज प्रेफरेंस, तो उसमें भी आपको ऐड करके जो इंग्लिश होगा उसमें हिंदी नहीं होगा तो आपको हिंदी टिक करके डन कर देना है। इतना करते ही आपके ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी गाइस। बस इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना, यही सारी चीज़ें थी जो आपको करनी थी। इसके बाद आपके अकाउंट में सर्वे आने लगेंगे, यहाँ पर मैं आपको प्रूफ भी बताऊँगा। अभी हाल ही में आज ही में मैंने ये अकाउंट बनाया और मैं एक और नई वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरे अकाउंट पे कितने सर्वे आए और दूसरे दिन ही कितने सर्वे आए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इसकी पार्ट टू वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरे चैनल पर कितने सर्वे आए और मेरे ये वाले अकाउंट पर कितने सर्वे आए एंड कितनी अर्निंग हुई। तो गाइस इस तरह आप बहुत सारे रिवॉर्ड अर्न कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको पता भी चल गया होगा कि ये सारी चीज़ें कैसे करनी है। एंड हाँ गाइस, ऐसे मैं और वीडियोज़ लाना चाहता हूँ पर आप लोगों सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं नहीं ला पा रहा। तो फिर आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इसके बाद लाइक कर देना है, और मैं जो जो वीडियोस लाता हूँ वो सारी पूरी देखनी है गाइस, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मैं इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस भी लाता हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सके, क्योंकि मैं भी यहाँ पर रिसर्च मतलब देखकर ही वीडियो बनाता हूँ, ऐसे ही नहीं बना देता, क्योंकि आपको जो इंपॉर्टेंट वीडियो होगी वही आपके लिए लाऊंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको फिर यही आपको काम में आएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं कौन नई वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कौन नई वीडियो में।